कैबिनेट मंत्री के बयान, केंद्र एवं प्रदेश सरकार आम आदमी के हित में ही कर रही काम, कार्यकर्ता सम्मेलन व स्वागत समारोह में कही बातें। यूपी के कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज जिले के महिला उपहार गाँव में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं स्वागत समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित जनसमूह को बताया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अगरबत्ती कुटीर उद्योग के लिए जनपद को 5 मशीनें देने का वादा किया ताकि इलाके की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वह सशक्त बनेंगी। पत्रकारों ने किसान बिल के विरोध में आंदोलन के बारे में कैबिनेट मंत्री से सवाल किया। मीडिया के सवालों से बचते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच की बातचीत है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी सरकार ने किसानों के हित को सर्वप्रथम रखकर काम किया है। किसानों और सरकार के बीच वार्ता चल रही है, जल्द बातचीत का हल सामने आएगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार आम आदमी के हित में काम कर रही है क्योंकि भाजपा के सिद्धांत किसानों के हितों के लिए हैं। बीजेपी सरकार नागरिकों के लिए नीतियां बना रही है। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक व भाजपा नेता पिंटू द्विवेदी, विधायक मंझनपुर लाल बहादुर, सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल एवं चायल विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहे। प्रश्न पूछो भाई। सर, जिस तरीके से पूरे देश में किसान बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या सरकार इस बिल में कुछ संशोधन करेगी या वापस? ये जो बातचीत है सरकार के बीच में किसानों, इसमें मैं तो कुछ इसमें हम लोग नहीं बोल सकते, मगर इतना ही जो कहेंगे कि किसानों के हितों को हमेशा सर्वप्रथम रखा है मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, और हम लोग की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है वो किसानों के हितों के लिए है, किसानों के हितों के लिए ही कार्य कर रहे हैं और उस पर बातचीत चले, जो भी निर्णय होगा सबके बीच में आएगा, उसका पूरा प्रयास है। सरकार हमेशा बीजेपी सरकार नागरिक अधिकार उल्लंघन कर रही है। बीजेपी सरकार किसी चीज को इस प्रकार से नहीं, बीजेपी जो सरकार है वो हमेशा नागरिकों के हितों के लिए कार्य कर रही है, नीतियां बना रही है।